नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, ग्रेवल रोड निर्माण कार्य दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रेवल रोड के जो नए कार्य स्वीकृत करने की अनुमति फिर से प्रदान कर दी थी, घोषणा भी कर दी थी। उसके संबंध में दोस्तों आदेश भी निकाला जा चुका है। हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आदेश कब आएगा जिससे कि हम नई ग्रेवल रोड निर्माण कार्य ले सकें और उसे सफलतापूर्वक करवा सकें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि नई जो है सुदूर संपर्क सड़क रोड जिसको हम ग्रेवल रोड कहते हैं, उसके निर्माण की स्वीकृति अब किस तरह से मिलेगी, क्या क्या मापदंड रहेंगे जिसके बाद कि हमें जो है ग्रेवल रोड मिल पाएगी ग्राम पंचायत को, और ग्राम पंचायत उसके बाद निर्माण कार्य करा सकेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी आप स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देखेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आप पूरा आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को जो है मनरेगा पोर्टल की वेबसाइट तो पता ही है, NREGA.NIC.IN, NREGA.NIC.IN, हम इस पर सारे कार्य करते रहते हैं। आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं मनरेगा पोर्टल की, उसमें जो है मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया है, तो आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो आज जो हम सुदूर सड़क संपर्क के बारे में, जो सुदूर संपर्क सड़क जो आती है ग्रेवल रोड जिसे हम बोलते हैं, उसके संबंध में जो नए दिशा निर्देश निकले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आदेश निकाला जा चुका है। क्रमांक देख सकते हैं आप, दिनांक 1 फरवरी 2023 को ही निकला है। प्रति कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, दूसरा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश, जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय है खेत सड़क, खेत अवलिक सुदूर संपर्क सड़क की स्वीकृति के संबंध में। तो अब नई कैसे स्वीकृत होगी उसी के संबंध में है। तो संदर्भ दिया हुआ है, सारे पत्र क्रमांक का पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, इतने आप सब देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लिखा है महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत खेत सुदूर संपर्क सड़क के तहत ग्रेवल रोड निर्माण का कार्य कराया जाता है। उक्त कार्य के संबंध में विभाग द्वारा समय समय पर संदर्भित पत्रों के द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक मास्टर परिपत्र 2021-22 के पैराग्राफ नंबर 7.3 में लेख है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक DPC, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ना, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक जो है द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी जिले में लागत के संबंध में शुरू किए जाने वाले कम से कम 60% कार्य 60% कार्य जो है भूमि जल और वृक्षों के विकास के माध्यम से सीधे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों मतलब असेट्स के सृजन के लिए किए जाएंगे। ठीक है, तो 60% तो ये हो गए। उक्त के अनुक्रम में जिले स्तर पर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन NRM, ठीक है, इसको दोस्तों ये हिंदी में है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इंग्लिश में मैं आपको पूरा बता देता हूँ NRM होता क्या है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो NRM का फुल फॉर्म है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। टाइप्स ऑफ कॉमन वर्क्स अंडरटेकन अंडर दीज प्रोग्रामर्स स्कीम्स आर वाटर कंजर्वेशन हो गया, ठीक है, एंड मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, फ्लड प्रोटेक्शन, लैंड डेवलपमेंट इत्यादि कार्य जो रहते हैं वो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अमृत सरोवर जो हमने बनाया है और भी बना रहे हैं, ठीक है, मतलब पानी को जो है रोकने के, पानी के संरक्षण के लिए जो भी सारे रहते हैं कार्यकलाप, भूमिगत जो पुरानी संरचनाएं उनको पुनर्जीवित करने के लिए, ऐसे कई सारे जो कार्य हैं रिचार्ज फीड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए, वह जो है NRM के अंतर्गत आते हैं। NRM को बोलते भी यही है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। NRM इज अ मेजर इश्यू इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स फ्यूचर एग्जिस्टेंस इज अंडर सेवियर थ्रीट लीडिंग टू मल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड एडवांसेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी 2022 के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यों पर 65% व्यय किया जाना अनिवार्य है, शेष 35% व्यय गैर NRM मतलब
35% वे ही हम जो है एनआरएम वाले जो कार्य नहीं है गैर एनआरएम अंतर्गत अधोसंरचना विकास के तहत आने वाले विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है। प्राय देखा गया है कि इसमें से लगभग 20% वह प्रधानमंत्री आवास मजदूरी ग्राम पंचायत भवन आंगनवाड़ी किचन शेड एसएचजी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह संघ भवन खेल मैदान शांति धाम एसएचजी के शेड निर्माण अवशिष्ट जल की निकासी हेतु नाली निर्माण व पोंड सोकपीट घरेलू शौचालय हाट बाजार स्कूल बाउंड्री आदि अधोसंरचनाओं कार्यों में किया जाता है। अतः खेत सुदूर संपर्क कार्यों में कुल व्यय का अधिकतम 15% व्यय ही किया जाता है। सुलभ संदर्भ हेतु एनआरएम एवं गैर एनआरएम की श्रेणी अंतर्गत कार्य सूची परिशिष्ट एक पर संलग्न है। ये मैं आपको इसमें विस्तृत में बता दूंगा जो एनआरएम वाले वर्ग कौन से हैं और गैर एनआरएम वाले वर्ग कौन से हैं, ठीक है। तो खेत सुदूर संपर्क सड़क के प्राकलन मतलब टीएस में 50-60% तक सामग्री मद में राशि व्ययना अनुमानित है। मनरेगा योजना के प्रावधान अनुसार जिले स्तर पर मजदूरी सामग्री 60:40 का संधारण करने का प्रावधान है। इस हेतु खेत सुदूर संपर्क सड़क की स्वीकृति हेतु यह प्रत्यक्ष से सुनिश्चित किया जाना होगा कि जिले स्तर पर सामग्री भुगतान 40% की सीमा में ही हो, क्योंकि 60:40 का मतलब क्या होता है 60% मजदूरी व्यय होना चाहिए और 40% जो है सामग्री मद होना चाहिए। तो जिले स्तर पर जो है 40% से अधिक भुगतान जो है सामग्री में। तो जो संदर्भ पत्र क्रमांक है 1, 3, 4 एवं 6 के द्वारा प्रसारित निर्देश यथावत रखे जाते हैं एवं संदर्भ पत्र क्रमांक 2, 5, 7 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है। अतः मनरेगा अंतर्गत सीमित लेबर बजट जिला स्तर पर मजदूरी सामग्री का अनुपात 60:40 का संधारण तथा एनआरएम जो नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट कार्य है कार्यों में कुल व्यय का 65% व्यय किए जाने के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर कुल व्यय का अधिकतम 15% व्यय खेत सुदूर संपर्क सड़क के कार्यों में करने हेतु कार्य योजना बनावे एवं प्राथमिकता पर खेत सड़क के कार्य लिए जावे। तो खेत सुदूर संपर्क सड़क के कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रीकास्ट नागरिक सूचना फलक तैयार करवाया जावे जिनमें खेत सुदूर संपर्क सड़क में लूजनिंग ऑफ सॉइल कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल एवं अन्य गतिविधियों में अनुमत मशीनों के प्रकार जिनका उपयोग किया गया हो का विवरण एवं मशीन पर किया गया व्यय का विवरण अनिवार्य रूप से लिखा जावे। इसके साथ ही मजदूरी की टास्क रेट एवं दैनिक मजदूरी की दर भी सूचना फलक पर लिखी जावे। स्वयं सहायता समूह से प्रीकास्ट नागरिक सूचना फलक क्रय करने हेतु प्राकलन जो टीएस में लम सम में डिस्प्ले बोर्ड सीआईबी ऑप्शन का उपयोग किया जावे जो डीपीआर हम बनाते हैं उसमें। अतः उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार खेत सुदूर संपर्क सड़क के एक नवीन कार्य स्वीकृत किए जा सकेंगे। पहला है ग्राम पंचायत में सक्रिय जाप कार्ड धारियों की संख्या के आधार पर लेबर बजट तैयार करेंगे, ठीक है। जितने भी एक्टिव जो जॉब कार्ड धारी हैं उनकी संख्या के आधार पर लेबर बजट तैयार करेंगे। उदाहरण यदि एक ग्राम पंचायत में 100 सक्रिय जॉब कार्ड धारी परिवार हैं, है ना, एक ग्राम पंचायत में यदि उन्होंने मान लिया एक्टिव जो जॉब कार्ड है वो 100 हैं तो 34 लाख रुपए का लेबर बजट होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों किस तरह से कर सकते हैं। यदि 100 सक्रिय जॉब कार्ड है एक्टिव जॉब कार्ड धारी हैं तो 34 लाख रुपए का लेबर बजट होगा जिसमें से 20.40 लाख रुपए अकुशल मजदूरी पर एवं 13.60 लाख रुपए सामग्री मद के भुगतान हेतु उपलब्ध होगा जिसमें पूर्व से प्रगतिरत कार्यों को भी शामिल किया जाना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल बहुत अच्छा है कि यदि 100 एक्टिव जॉब कार्डधारी हैं तो 34 लाख का टोटल काम होगा जिसमें 20 लाख करीब जो है अकुशल मजदूरी और 13 लाख करीब जो है सामग्री मद का भुगतान हो सकेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के लेबर बजट के अनुसार 65% कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एनआरएम व कृषि आधारित कार्यों पर एवं 35% गैर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी अधोसंरचनाओं कार्यों पर किया जाना है। तदनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर लिए जाने वाले कार्यों की जीआईएस बेस्ड प्लानिंग के आधार पर कार्य योजना बनाई जावे जिसमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश दिशा सभी रहे। कार्य योजना जो हम जीपीटी बनाते हैं उसी तरह से मैं एनआरएम व गैर एनआरएम के पूर्ण अपूर्ण प्रगतिरत तथा नवीन प्रस्तावित कार्यों को अंकित किया जावे। कार्य योजना का अनुमोदन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं सहित जिला कार्यक्रम समन्वयक से कराया जावे। फिर तीसरा पॉइंट है खेत सुदूर संपर्क सड़क लेने में यह सावधानी रखना है कि सबसे पहले खेत सड़क को प्राथमिकता देना है और ऐसे स्थल का चयन करना है जिसमें कम से कम 10 कृषक लाभान्वित हो सके।
इसके बाद है 14.19 खेत सुदूर संपर्क सड़क खेत समूह को जोड़ने कार्य लिए जाएंगे जो पटवारी के वाजिब उल्फ अर्ज रिकॉर्ड में दर्ज हो, मतलब पटवारी के जो है रिकॉर्ड जो रहता है B1 जो रहता है खसरा नक्शा उसमें रिकॉर्ड में गवर्नमेंट जमीन में दर्ज हो ताकि यथा तथा खेत सुदूर संपर्क सड़क के कार्य ना लिए जावे, अर्थात जहां एक खेत सुदूर संपर्क सड़क प्रगतिरत वहीं दूसरी खेत सुदूर संपर्क सड़क ना बनावी जावे। खेत सुदूर संपर्क सड़क संबंधित 2013 के निर्देशों का भी पालन किया जाना होगा, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा जो 2013 के जो निर्देश हैं पूरे। तो सर्वाधिक उपयुक्त खेत सुदूर संपर्क सड़क का कार्य ग्रामवासियों की सहायता से वॉक थ्रो सर्वे कर लिए जावे, मतलब वहां पर जाके लिए जावे एवं उसे मनरेगा के सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट जो SOP होता है के साथ साथ गांव के विकास के मास्टर प्लान जो हम GPDP बनाते हैं जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर उसमें भी शामिल किया जावे, उसके उपरांत ही TSS की कार्रवाई की जावे। एक ग्राम पंचायत में एक खेत सुदूर संपर्क सड़क का कार्य कराया जा सकेगा, ठीक है, एक ग्राम पंचायत एक ग्रेवल रोड। यदि पूर्व से कोई कार्य प्रचलित है तो उसे पूर्ण कराने के बाद प्रावधान अनुसार जनपद व जिला स्तर के सक्षम तकनीकी व प्रशासकीय अधिकारियों से TS तथा AS लेकर कार्य ग्राम पंचायत कर सकेगी। तो यदि पहले से आपके यहाँ प्रगतिरत है ग्रेवल रोड तो नई ग्रेवल रोड नहीं मिलेगी जब तक कि आप पहले वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। राशि ₹25 लाख तक के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया जाएगा, ठीक है। तो 25 लाख तक की ग्रेवल रोड रहती है तो ग्राम पंचायत ही उसकी जो है क्रियान्वयन एजेंसी रहेगी। अब 8वां पॉइंट है, एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक खेत सुदूर संपर्क सड़क की स्वीकृति हेतु नस्ती कार पालन यंत्री जो ई रहते हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RES के द्वारा जिले की समग्र परिस्थिति खेत सुदूर संपर्क सड़क की आवश्यकता का औचित्य FRA PVTG अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्य ग्राम टोला फलिया के आधार पर प्रस्तावित की जाएगी। किसी FRA PVTG अनुसूचित जनजाति जनजाति बाहुल्य ग्राम टोला फलिया के खेत एवं खेत समूह हेतु खेत सड़क को प्राथमिकता से प्रस्तावित किया जाएगा। जिले के समग्र मटेरियल भुगतान की परिस्थिति जिले में समग्र लंबित कार्यों की पूर्णता की स्थिति का उल्लेख करते हुए कार पालन यंत्री ई जो रहते हैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RES को यह सुनिश्चित करना होगा कि 60-40 का अनुपात वित्तीय वर्ष के अंत में संधारित किया जावे, ठीक है। तो सारी हमने कंडीशंस देख ली हैं, ठीक है, तो हमने सारी कंडीशंस देख ली हैं किस किस तरह से स्वीकृति होगी पूरी। इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत स्तर से उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर परीक्षण किया जाकर एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक खेत सुदूर संपर्क सड़क की अनुमति हेतु प्रस्ताव जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुशंसा सहित राज्य स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को प्रेषित किया जाकर अनुमति प्राप्त की जाएगी। तदउपरांत जिले में सक्षम स्तर से TSS की प्रक्रिया की जा सकेगी यदि एक से अधिक ग्रेवल रोड लेना है। अमृत सरोवर स्थलों को सुदूर खेत अप्रोच गिवल रोड से जोड़े जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 3538 दिनांक 24/8/2022 के द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिला कलेक्टर की अनुमति से आवश्यकता अनुसार सड़क कार्य लिए जा सकेंगे। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह वित्तीय वर्ष के अंत में 60-40 का अनुपात कृषि आधारित कार्यों पर 60% व्यय व NRM कार्यों पर 65% व्यय जिला स्तर पर संधारित करना सुनिश्चित करें। अब 13(1-8) तक के निर्देशों का पालन किया जाने हेतु अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जिला पंचायत कार्यपालन यंत्री ई ग्रामीण यांत्रिकी सेवा RES कार्यक्रम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जनपद पंचायत एवं सहायक लेखाधिकारी मनरेगा भी उत्तरदायी होंगे। उक्त निर्देशों के पालन में जिला कलेक्टर द्वारा खेत सुदूर संपर्क सड़क के कार्यों की अनुमति प्राप्त कर सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति देने की कार्रवाई की जा सकती है। मलय श्रीवास्तव जी अपर मुख्य सचिव महोदय मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है आयुक्त महोदय मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा। तो दोस्तों हमने पूरे इंस्ट्रक्शन देखे किस तरह से अब ग्रेवल रोड का जो है कार्य लिया जा सकेगा और दोस्तों जैसा कि पहले घोषणा भी की जा चुकी थी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो अब उसका जो है आदेश भी आ चुका है तो अब जल्दी जल्दी जो है ग्रेवल रोड भी स्वीकृत की जा सकेगी। इन मापदंड के अनुसार जल्दी जल्दी जो है ग्रेवल रोड का लाभ मिल सकेगा ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जरूरी है। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप स्वेच्छा से कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन या सुपर थैंक्स के जरिए कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।